पूरा दिन में मतलब लेना ही चाहिए, लेकिन मैं ब्रेकफास्ट में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ आप अपने आप को मतलब। पानी का भी बता दूँ, अभी मेरी ये हाफ लीटर ही हुआ है और अभी बज रहे हैं 9:30 बज रहे हैं, हाफ लीटर हुआ है सही है अभी, लेकिन मैं 3 से 4 लीटर ख़त्म करती हूँ पूरा दिन में। और आप भी ख़त्म करें करें, एक बोतल बनाने हैं अपने पानी की, बिल्कुल अलग रखें, आपको इससे पता रहेगा कि आपने कितना पानी पिया। और यकीन करना आपसे पानी भी ज़्यादा पिया जाएगा जब आप अपनी अलग बोतल बना लोगे ना, तो बिल्कुल मतलब ये रहेगा कि हाँ यार मुझे 4 लीटर 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। अब तो विंटर से 3 लीटर भी आपने पी लिया ना, वो भी बहुत है आपके लिए। तो लेकिन मैं 4 लीटर पीती हूँ क्योंकि मैं विंटर्स में ज़्यादा पानी पीती हूँ। सब कहते हैं यार तो बिल्कुल उल्टी है, मैं ना समर्स में इतना नहीं पिया जाता जितना मैं विंटर्स में पानी पीती हूँ, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा है। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो जो मैंने अर्ली मॉर्निंग की ड्रिंक भी आपको दिखा दी, ब्रेकफास्ट भी आपको दिखा दिया है, ब्रेकफास्ट में हैवी ही करती हूँ और पराठे शराठे सैंडविच वगैरह या फिर अंडा, अंडा ज़रूर लेती हूँ मैं मॉर्निंग में, क्योंकि प्रोटीन अगर आप ले लो मॉर्निंग में तो काफ़ी अच्छा रहता है। और ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी ही करना चाहिए। और दूसरी बात, 1 स्पून देसी घी मैं लेती ही लेती हूँ अपने ब्रेकफास्ट में, किसी भी फॉर्म में मैं ले लेती हूँ, क्योंकि हमारा जो ब्रेकफास्ट है जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि काम इतना होते हैं मॉर्निंग में, जो मदर्स होती हैं उनके पास तो बहुत ही होते हैं, मेरे पास भी बहुत होते हैं, तो अच्छे से खाना मेरा डाइजेस्ट होता है। और बाकी मैं जैसे अब डिनर में थोड़ा लाइट कर दूँगी, जैसे लंच में थोड़ा लाइट करूँगी, उसके बाद मैं बिल्कुल लाइट कर दूँगी, तो इस तरीके से मैं करती हूँ अपना पूरे दिन का वेट लॉस होता है। डिनर हमें हमेशा लाइट ही करना चाहिए, क्योंकि रात को है ना हमारा जो खाना की डाइजेशन है थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैं लाइट ही लेती हूँ। अगर आप बाई चांस रोटी वगैरह ले रहे हैं तो 7 बजे से पहले पहले ले लें, ताकि वो अच्छे से उसको टाइम मिल जाए। आप बेड पे जब लेट हो 9-10 बजे, तो 3 घंटे पहले आप अपना खाना खाओ, क्योंकि वो अच्छे से डाइजेस्ट होने के लिए। अगर आप खाना खा दिए बेड पे लेट जाओगे तो वेट पूरा दिन आपने कर लिया, जैसे पूरे दिन डाइट कर ली और आपने रात को खा लिया, चाहे 9 बजे खाया, चाहे आपने एक सैंडविच खाया या एक रोटी खाई और एकदम आप लेट गए, तो वो वेट लॉस नहीं होगा, वो वेट गेन जाएगा आके। आपका जब मॉर्निंग वेट चेक करोगे तो वेट गेन ही जाएगा। मैं ब्रेकफास्ट इसलिए हैवी करती हूँ क्योंकि यार मतलब सबको ही हैवी करना चाहिए, रोटी वगैरह पराठे वगैरह जो मर्जी आए खाओ, लेकिन हेल्दी तरीके से बना के खाओ। तो मेरे घर में ना काम बहुत होते हैं, जैसे मॉर्निंग रूटीन वगैरह और ना सफाई वगैरह मॉर्निंग में ज़्यादा होती है, तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है मेरा खाना, इसलिए मैं ज़्यादा मतलब हैवी करती हूँ। लेकिन सबको हैवी करना चाहिए, ये ऐसा नहीं होता कि आप अगर हैवी ब्रेकफास्ट कर दोगे या देसी घी लोगे आपका वेट गेन हो जाएगा। बहुत से लोगों का है सोचना ऐसा कि देसी घी वेट गेन करता है, नहीं, वेट गेन बिल्कुल नहीं करता। आप ब्रेकफास्ट में और लंच में ले सकते हो, उससे बिल्कुल भी वेट गेन नहीं होता है। और मैं लेती हूँ, मेरी पहले की जर्नी आप देखिए, मैंने हमेशा देसी घी लिया है और मैंने 1 मंथ में 12 kg लॉस करा था उस टाइम पे। अभी मेरी डाइट थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि आना जाना मेरा इतना लग रहा है, कभी कहीं दावत है और कभी कहीं घूमने जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो यार हो ही जाता है सबके साथ, अच्छा भी नहीं लगता यार हमके, नहीं मैं नहीं खा रही, मेरी डाइट चल रही है, नहीं यार मैं नहीं खा रही, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो मैं खा लेती हूँ। तो अभी फंक्शन आने वाले हैं घर में बहुत सारे,
तो उसकी भी तैयारी करनी है और अच्छे से, मतलब खाना पीना तो हो गई थोड़ा बहुत, लेकिन मैं कोशिश करूँगी अपना हेल्दी सही खाऊँ, कम खाऊँ। और अगर आप चाहते हो मैं डेली का ब्लॉग डालूँ, डेली रूटीन मॉम्स के जो काम होते हैं, क्या क्या मैं करती हूँ पूरा दिन में घर के काम, अगर आप वो चाहते हो तो मुझे आप कमेंट्स में बताना, मैं वो डाल दूँगी पूरे दिन की। अभी तो फ़िलहाल मैं डाइट की ही डाल रही हूँ, मैं क्या क्या खा रही हूँ पूरे दिन में। तो चलिए अभी मैं अब रह गया मेरा मेन मॉर्निंग स्नैक, अभी मैंने लिया नहीं, अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या लूँगी। अब आ जाती है मैं मॉर्निंग स्नैक की। तो मैंने 3 डेट्स ले लिए थे, तो इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है, बहुत ताकतवर होते हैं डेट्स। तो आप अपनी डाइट में डेट्स को इंक्लूड करें, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपकी एनर्जी बूस्ट करता है, इसमें कैल्शियम, आयरन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत ताकतवर होती है खजूर। तो 3 में वो ले रही हूँ। उसके बाद चलिए लंच पे आते हैं। मैंने कल छोले बनाए थे जो अब मैं लंच में लेने वाली हूँ। अगर रेसिपी मैंने इसकी डाल देती हूँ क्योंकि मैंने कल शूट कर ली थी, तो अब मैं डाल देती हूँ, आप देख लीजिए। फिर तूने ले लिया अमरूद? कितना अमरूद खाएगा? लूज मोशन हो जाएंगे हैं? अच्छा अच्छा बंद कर।
तो चले जी, अपना लंच तो हो गया और एक बजा है अभी, तो अच्छे से मैंने लंच कर लिया। बहुत क्लीन वाला लंच था आज का मेरा, बहुत अच्छे से मैंने करा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा छोले चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही बढ़िया लगते हैं छोले चावल, राजमा चावल। उसकी क्रेविंग रात से ही हो रही थी, मैंने सोचा मैं नहीं रात को नहीं खाना बिल्कुल भी, मैं कल खा लूँगी। फिर मैंने मतलब सोचा कि नहीं कोई नहीं, सबर का फल मीठा होता है बेटा, कल खाएंगे दोपहर में। तो मैंने खा लिया, अच्छे से खाया, पेट भर के खाया। सैलड भी बहुत सारा ले लिया था मैंने, पहले सैलड्स खाया। फिर 15 मिनट में वॉक करूँगी क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि ये जो डाइट कर रही हूँ ना, इसमें कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह मैं नहीं करती हूँ, तो मैं खाली वॉक कर लेती हूँ डिनर में भी और लंच के बाद भी। और वैसे भी अभी मुझे मार्केट जाना है, कुछ सामान वगैरह लेना है मुझे, कुछ सब्ज़ी वगैरह शाम के लिए। देखूँगी कुछ क्या बनेगा क्या पकेगा, बड़ी टेंशन रहती है यार, क्या पकेगा क्या नहीं। कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, मैं कुछ खाती हूँ, तो यही रहता है पूरे दिन। और हमारे घर के नीचे बहुत ज़्यादा उधम मचता है, तो उसको इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती रहती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई नहीं। अब मैं 10 से 15 मिनट के लिए वॉक करूँगी, खाली में वॉक कर लेती हूँ घर में, क्योंकि घर में इतने काम होते हैं, अच्छा सी एक्सरसाइज हो जाती है, ब्रेड बच जाती है बच्चों के साथ। तो माशाल्लाह 3-3 बच्चे हैं और सबके अलग अलग फरमाइशें हैं, उनको पूरा करना होता है घर के काम वगैरह। अगर आप चाहो तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी मैं पूरे दिन में क्या क्या काम करती हूँ, कैसे अपना रूटीन मेंटेन रखती हूँ। मैं साथ शेयर कर दूँगी कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ, कैसे संभालती हूँ 3 शैतान बच्चों को। छोटा वाला जो है ना, उसको कल मैंने वीडियो में दिखाया था, वो बहुत ज़्यादा शरारती है, वो नहीं सुनता, बिल्कुल भी नहीं सुनता वो। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं ना अपनी वो ले लेती हूँ, ग्रीन टी ले लेती हूँ, और बाकी इवनिंग स्नैक में मैं देखती हूँ मैं क्या लूँगी। अब मैं जाऊँगी बाज़ार, बाज़ार से देखना है मुझे क्या क्या शॉपिंग करनी है और सब्ज़ी वगैरह भी लेनी है। चलिए मैं आपसे बाद में देखती हूँ। 2 बजे बच्चे आ गए थे, 2:15 बजे आ जाते हैं बच्चे, तो उनके लिए पूरी बना रही हूँ मैं। एक को पूरी चाहिए थी, एक को राइस के साथ ही खाने थे छोले, तो ये मैं उनके लिए ही बना ली हूँ। बाकी मैंने तो 4:15 बजे ही अपना लंच कर लिया था, तो उसके बाद मैंने चाय बना ली थी, तो चाय की मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, मैंने सोचा चलो खाना खाने के बाद चाय पी लेते हैं। ग्रीन टी तो मैंने ले ली थी पहले ही, तो ये मैं अब चाय ले रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप मेरे चैनल पर नए हो। जा रही हूँ मार्केट, वहाँ से कुछ सामान लेना था, सब्ज़ी वगैरह भी लेनी है और बहुत सारा सामान लेना है। चलो देखते हैं, और मैं आपसे मिलती हूँ आप बाद में इवनिंग स्नैक में, या 5 तो मुझे बचाने वैसे भी मार्केट में, तो चलिए मैं निकलती हूँ, बाद में मिलती हूँ, बाय बाय। इवनिंग स्नैक में मैंने 1 एप्पल ले लिया था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और 2 बिस्किट भी लिए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं शूट नहीं कर पाई थी। डिनर में मैंने हल्दी वाला दूध लिया था, तो आज का एंड ऑफ द डे मेरा यही था। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मैं कल मिलती हूँ आपसे डे 16 पे, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।